हाय, प्लीज कम एंड कैंडल ऑफ नॉलेज। अस्सलामु अलैकुम माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरा नाम है रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटी वाली शुरू की है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि टेंसेस की डिग्रीज एंड टेंसेस को हम किस तरह चेंज करते हैं पेस्यू वाइज में, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि हम मॉडल वर्ब के सेंटेंसेज जो होते हैं हमारे पास, इसको हम किस तरह चेंज करते हैं पेस्यू वाइज में। और आज हम सीखने वाले हैं कि हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह चेंज करने वाले हैं पेस्यू वाइज में। सो लेट्स कम माय डियर and get started. First of all, in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, imperative sentences की जो ये बात आती है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि imperative sentences होते क्या है। दोस्तों, imperative sentences के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना के रखी है अपने चैनल के ऊपर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि imperative sentences होते क्या है और imperative sentences को हम किस तरह बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को इतना बता दूँ कि imperative sentences वो होते हैं जिसमें हम या किसी को ऑर्डर देते हैं या एडवाइस, यानी किसी को मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो imperative sentences कहलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारे पास वो क्या है, वो है यू डू इट, यानी कि आप ये करो। तो जब हम यहाँ पर मैंने सेंटेंस देखा कि यू डू इट यानी कि आप ये करो, मैं जब इसको चेंज करूँगा, सबसे पहले आप लोगों ने दो चीज़ें जाननी है। एक, आपने क्या करना है इसमें, आपने क्या करना होगा, आपको मेन वर्ब जो होगा वो तलाश करना होगा। और दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, जो ऑब्जेक्ट है ये आपको तलाश करना होगा। दोस्तों, मेन वर्ब आप लोगों ने कैसे पहचानना होगा, दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे वहाँ पर मेन वर्ब जो होगा वो हमेशा स्टार्ट में आता है, या उससे पहले यू आया होगा या कोई और प्रोनाउन आया होगा। तो आपने क्या करना है, जो स्टार्ट में आया होगा, जो मेन में जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो आपका मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास क्या है, ओपन नेम जो मेन वर्ब है वो क्या है, वो आपका क्या है, वो मेन वर्ब है। और इसके अलावा यहाँ पर यू के बाद जो डू है ये आपका मेन वर्ब है। इसी तरह हर सेंटेंस में मेन वर्ब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। तो इसके अलावा जो दूसरी बात है वो आप लोगों ने याद रखनी है, वो क्या है, वो बात दोस्तों है, वो आपने ऑब्जेक्ट पहचानना है। दोस्तों, ऑब्जेक्ट आप किस तरह पहचानोगे, ऑब्जेक्ट जब भी आपने पहचानना होगा तो आपने पूछना होगा कि जो हो रहा है ये किससे किया जा रहा है या ये क्या किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो कहते हैं कि यू डू इट यानी कि ये करो, तो यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या है, यहाँ पर हम क्वेश्चन ये अरेस्ट कर सकते हैं कि क्या किया जा रहा है। जब मैं कहता हूँ कि ये करो यानी कि ये जो है ये किया जा रहा है, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि इट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जो ओपन है, इस सेंटेंस को आप देखिए, यहाँ पर क्या कहते हैं कि ओपन द डोर, यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि ओपन द डोर यानी कि खोलो, क्या खोलो, दरवाजा। यहाँ पर क्या कहते हैं कि खोलो यानी कि दरवाजे को खोलो, दरवाजा आपके पास क्या, ये आपका रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये इट आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये क्या है, ये डोर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये हमें कैसे पहचाना, ऐसे कि ओपन द डोर यानी कि ओपन यानी कि खोलो, क्या खोलो, दरवाजा खोलो। यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन अरेंज किया कि क्या खोलो, तो वो क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि डोर आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर मीट भी, यहाँ पर ये जो है मीट जो आप है ये आपका मेन वर्ब है और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो है टुमारो। तो किस तरह हम पहचानेंगे, मीट मी, मिलो मुझसे, कब मिलो, यहाँ पर कैसे, किससे मिलो, तो यहाँ पर क्या है, टू मारो, ये आपका क्या रहा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसमें जो है ये आज का आपका मेन वर्ब है और ये जो राइट नाउ है, ठीक है दोस्तों, सॉरी, जो हेम है ये आपका ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह जो वॉश है ये मेन वर्ब है और जो शर्ट है द शर्ट ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह जो रिपेयर है ये आपका मेन वर्ब है और इसके अलावा जो मोबाइल है ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बनाते हैं इस सेंटेंस को कि हम किस तरह इस सेंटेंस किसी वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस है यू डू इट। जब भी आप लोगों ने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने लेट लगाना होगा। ये बात आप अपने माइंड में याद रखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये बात हम लोगों ने सीखी है कि एक्टिव जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारे पास सब्जेक्ट भी आएगा,
ठीक है दोस्त, यहाँ पर मैंने क्या लगा है, लेफ्ट लेट के बाद मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मैं लगाऊंगा, वो क्या है, वो है एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसके बाद मैं क्या करूंगा, आएंगे बी। ठीक है दोस्तों, ये बातें आप लोग याद रखिए। और इसके बाद आपके पास क्या है, वो आपका है मेन वर्ब, वो आपको क्या करना होगा, मेन वर्ब की आप लोगों ने थर्ड फॉर्म लगानी होगी। क्यों लगानी होगी दोस्तों, आप लोगों को याद है कि जब भी हम एक सेंटेंस को पेस में चेंज करते हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट में लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, हम लगाएंगे बाय यू। ठीक है दोस्तों, ये बन गया सेंटेंस कंप्लीट। तो कैसे बना, कहते हैं कि लेट इट बी डन बाय यू, यानी कि ये किया जाए बाय यू आपके जरिए। यहाँ पर ये सेंटेंस का सेंस क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि यू डू इट, यानी कि आप ये करो, अगर मैं इससे किसी को पैसे में कहूँगा तो मैं कैसे कहूँगा कि लेट इट बी डन, यानी कि ये किया जाए बाय यू, यानी कि आपके जरिए। तो इसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो है ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा खोलो। जब मैं इसको पेशे में चेंज करूँ तो इसे सेंस किस तरह बनेगा, वो बनेगा कि दरवाजा खोला जाए। तो चलो इसको चेंज कर लेते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेट के बाद मैं लगाऊंगा जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है दोस्तों, द डोर, इसके बाद मैं लगाऊंगा बी। बी के ऊपर क्या करूंगा, यहाँ पर जो हमारे पास जो वर्ब है मेन वो मैं लगाऊंगा, वो क्या है, वो ओपन है। तो ओपन का तर्क क्या होता है, ओपन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। कैसे बना, कहते हैं यहाँ पर एक्चुअली में कहते हैं कि ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोलो, लेट द डोर बी ओपन, यानी कि दरवाजा खोला जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसका सेंस बनता है। इसके बाद जो अगला है वो है मीट मी, यानी कि मुझसे मिलो टुमारो, कल। ठीक है दोस्तों, मैं इसको चेंज करूंगा तो किस तरह करूंगा, मैं करूंगा लेट, इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, हमारे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ये आपका यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, जो मी है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लेट के बाद आप लगाओगे जो ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, मी। ठीक है दोस्तों, मी मैंने लगाया, लेट मी, इसके बाद क्या करूँगा, बी, लेट मी बी, यहाँ पर जो मीट है इसका मतलब मैं क्या लगाऊंगा, मेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जो मीट है इसका थर्ड फॉर्म लगाना है, वो क्या है, वो है मेट। तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि लेट मी बी मेट, इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, इसके बाद मैं लगाऊंगा टू मोरो, जो आगे क्या है, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये बन गया सेंटेंस कंप्लीट। कैसे बना, कहते हैं कि लेट मी बी मेट टुमारो, यानी कि मुझसे कल मिला जाए। तो इसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो है आस्क हिम राइट नाउ, यानी कि उससे पूछो अभी इसी वक्त। ठीक है दोस्तों, जब मैं इसको चेंज करूंगा उसी तरह यहाँ पर मैं लगाऊंगा जो मेरे पास जो है लेट, लेट मैंने लगाया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, वो है हिम। ठीक है, यहाँ पर मैंने हिम भी लगाया, इसके बाद मैं लगाऊंगा बी, बी के बाद मैं लगाऊंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारे पास क्या है, आस्क, पूछना। तो जब मैं इसका जो थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, आस्क्ड, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, राइट नाउ। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस बन गया आपको कंप्लीट। कैसे बना, कहती है कि आस्क हिम, यानी कि उससे पूछो राइट नाउ इसी वक्त। इसको अब मैं चेंज किया पेशे में तो किस तरह बना, कहते हैं कि लेट हिम बी आस्क्ड राइट नाउ, यानी कि उससे पूछा जाए इसी वक्त। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर सेंटेंस चेंज करूँगा वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि वॉश द शर्ट राइट नाउ, यानी कि जो शर्ट है, जो कमीज है, इसको धो लो। ठीक है दोस्तों, राइट नाउ, अभी और इसी वक्त। तो जब मैं इसको चेंज करूँ किस तरह मैं चेंज करूंगा, इस सबसे पहले मैं लगाऊंगा लेट। ठीक है दोस्तों, लेट के बाद मैं लगाऊंगा हमारे पास जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है क्या, द शर्ट। ठीक है दोस्तों, लेट द शर्ट, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं लगाऊंगा बी, और वर्क की यहाँ पर क्या करूंगा, मैं वर्क की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वर्क में थर्ड फॉर्म भी लगा, इसके बाद मैं लगाऊंगा ऑब्जेक्ट के पास जो हमारे पास क्या है, जो राइट नाउ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किस तरह बना, कहते हैं कि वॉश द शर्ट राइट नाउ, यानी कि जो शर्ट है इसको अभी इसी वक्त धो लो। तो जब मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँगा पेशे में किस तरह बनाऊंगा, लेट द शर्ट बी वॉश्ड राइट नाउ, यानी कि जो कमीज है इसको धोया जाए इसी वक्त। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है दोस्तों, यहाँ पर जो राइट नाउ आता है इसको कभी भी आपने राइट दिन में चेंज नहीं करना। वो हम कब करते थे, जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से एंड में चेंज करते थे, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, हम वो
राइट नाउ को राइट देन में हम चेंज करते थे। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो कहते हैं कि रिपेयर योर मोबाइल, यानी कि अपना मोबाइल जो है वो रिपेयर करो, यानी कि सुधारो, दोबारा इसको बनाओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं तो किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, इसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम लगाएंगे, वो हमारे पास क्या है, यूअर मोबाइल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं बी लगाऊंगा और इसके बाद मैं वर्क की तरफ हूँ, यानी कि रिपेयर, हमारे पास क्या है तरफ हूँ, रिपेयर। ठीक है दोस्तों, ये बन गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। किस तरह बना, कहते हैं कि लेट योर मोबाइल बी रिपेयर, यानी कि आपको जो मोबाइल है इसे रिपेयर किया जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस हमने देखी जिसको हमने चेंज किया पैसे वाइज में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है इनके हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने वालदैन का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।